को चिंता नहीं है, ये टीम्स ऑलरेडी अपनी फाइनल्स की पोजीशन, ग्रैंड फाइनल्स की रैंकिंग संतुष्ट कर चुकी है। अब यहाँ से मोमेंटम बिल्ड कर रही है ये सारी टीम। गॉडलाइक ने, मैं बोलूंगा, आज के दिन अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा है, स्पीड अप काफी तेजी से पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। केवन ई स्पोर्ट्स तो आई मीन दे हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट, प्लेसमेंट पॉइंट्स, फिनिश पॉइंट्स, एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी सॉलिड। टीम एक्सो ऑल्दो 300 का आंकड़ा टच कर चुकी है इन ओवरऑल रैंकिंग, सो दैट इज वेरी इंप्रेसिव। बट अगले पेज पे जैसे आएंगे, यहाँ पे शुरू होती है असली लड़ाई, एंड वेल Global Esports, they are in the top 16. FS से भी नीचे थे जब उन्होंने स्टार्ट करा था, एंड FS को बाहर धकेल दिया है अभी के लिए टॉप 16 से। एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी X-Pac for sure टीम, Enigma Forever, उनका भी एंट्री हमें यहाँ पे देखने को मिलता हुआ। दैट मीन्स राइवलरी, बेसिकली हम अभी ये बोल सकते हैं कि चार टीम आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो चुके हैं, इतवाद हाइड्रा आई थिंक, एंड देन हाइड्रास टीम TSM, एंड नाउ राइवलरी, दीज आर द फोर टीम जो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। अभी शायद मैच देख रहे थे, क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे, बट अब कोई फायदा नहीं है, आप कुछ सीख सकते हो खेलने के लिए, अब टूर्नामेंट तो बचा नहीं है आई बिलीव, बट FS क्या कल आएंगे वापस? चार गेम बचे हैं, FS बैठी है 115 पर। अब मेरे को रेवेनेंट के लिए भी थोड़ा डर लग रहा है। रेवेनेंट तो फिर भी सिक्योर्ड है, बट टीम X-Pac, जी हाँ, आई थिंक दे आर गोना बी टॉपल्ड ओवर, क्योंकि मात्र 11 पॉइंट्स है, चार गेम्स बचे हैं, अगर थोड़ा सा भी कंसिस्टेंट खेल लेते विच FS कैन, और जिसमें महारत हासिल कर रखी है, तो कहीं ना कहीं X-Pac को यहाँ पे इस टूर्नामेंट से हमको अलविदा कहना। आई थिंक एक टैक्टिक है FS की जो काफी बढ़िया चलेगी, तीन प्लेयर्स को प्लेसमेंट के लिए छोड़ो और एक्सप्लिसिट को खुला छोड़ दो गेम में। मे बी वो फिनिश डिपार्टमेंट अच्छी तरह